हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए इस मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा और चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं आज बना रही हूँ सीख कबाब, और जल्दी से हम कॉपी पेंसिल लेकर ये सारी चीज़ें नोट कर लें। सबसे पहले मैंने ब्रेड के पीसेस को क्रम कर रही हूँ, उसको ग्राइंड कर लिया है मैंने, और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेकर आ जाऊँगी। फिर उसके बाद मैंने लिया है अनारदाना और साबुत धनिया, इन दोनों को मैंने ग्राइंड कर रही हूँ। ये मैंने लिए हैं 2 स्पून्स भर के लिए हैं मैंने, क्योंकि मेरे पास बीफ है जो वो मैक्सिमम 1/2 किलो है, तो इसलिए मैंने 2 स्पून्स दोनों मसाले के लिए हैं। फिर उसके बाद इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अनारदाना और वो मेरा सब ग्राइंड हो गया था, तो फिर मैंने हाफ़ कीमा इसके साथ ग्राइंड किया है। साथ मैंने डाला है कचरी पाउडर, अगर आपके पास ना पपीता भी आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने तीनों चीज़ें अलग-अलग करके रख ली हैं, और फिर मैंने इसमें डाले हैं मसाले। इन तीनों चीज़ों के अंदर जो ड्राई मसाला था वो सब ऐड कर रही हूँ। मेरे प्याज है, प्याज जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, 1 प्याज ली है मैंने। हरी मिर्चें थोड़ी सी ली हैं, मतलब 2 ली थी, और फिर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। हरा धनिया 2 टेबलस्पून के मुताबिक होगा अभी मेरे पास। और बिहारी बोटी का मसाला था मेरे पास, मैंने वो 2 चम्मच डाले हैं। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून डाला है। इन सबको डाल के सॉल्ट भी 1/2 टीस्पून अभी डाला है मैंने इसके अंदर, डाल के सब मिक्स कर लिया है। और थोड़ी सी चीज़ मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने चीज़ को क्रश करके इन सब के अंदर मिक्स कर रही हूँ कीमे के अंदर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा। अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें अंडा ऐड करिएगा, वरना ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा बेसन लिया था 1 टेबल स्पून, तो वो सब मैंने डाल के इसको मिक्स कर लिया था अच्छी तरीके से, ताकि ये एक जान हो जाए। और मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ कि ये मेरा माशाल्लाह से हाथ पे भी नहीं चिपक रहा था, और ये बिल्कुल तैयार हो चुका था इसका पानी वगैरह सब, क्योंकि मैंने बिल्कुल सब ड्राई कर चुकी थी मसाले। तो यहाँ मेरी बेटी मेरी मदद कर रही हैं, और माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे शेप में माशाल्लाह से अच्छे बना रही थी। उसने बॉल्स बनाई और मैंने सीख कबाब की शेप में दिया। आप चाहे बॉल्स भी बना सकते हैं, चाहे सीख कबाब भी बना सकते हैं। ऐसे मुझे 2 रेसिपी के लिए चाहिए था, तो मैंने दोनों शेप दे दिए। फिर मैंने एक पैन लिया है, फ्राई पैन, उसके अंदर मैंने अभी डाल के इसको हल्का सा सौते कर लिया था पहले, और फिर मैंने इसको डीप फ्राई किया था। और माशाल्लाह से मेरा बहुत खूबसूरत कलर आया था, आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर क्या करें, क्योंकि मुझे आप लोगों का फीडबैक के इंतज़ार होता है। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।